जनपद संभल के चंदौसी में भाजपा की प्रबुद्ध गोष्ठी में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने धारा 370 हटाने पर मिल रहे जनता के समर्थन को अभूतपूर्ण बताया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाए जाने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी जन जागरण प्रबुद्ध गोष्ठियों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदौसी में आज जन जागरण प्रबुद्ध गोष्ठी की चंदौसी में जन जागरण का आयोजन संजीवनी पैलेस में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बलियान पहुंचे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए 370 पर कहा गया, यह पार्टी का विचार है कि धारा 370 पर चर्चा होनी चाहिए। धारा 370 हटाने पर जनता से मिल रहे समर्थन पर उन्होंने कहा कि अभूतपूर्ण समर्थन, ऐसा समर्थन देश में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। यूएन के इमरान खान के वक्तव्य पर कहा कि गीदड़ भभकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने अंदाज में क्या संदेश देंगे? सारा देश जानता है मेरे मुंह से क्या कहलाओगे, जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कहने को कहना कुछ बचा नहीं। आज जो आने का मकसद है, पार्टी की तरफ से कहा गया कि 370 से जो देश का नासूर क्या कह सकते हैं, इसको लेकर जनता के बीच में पार्टी हर जनपद में पार्टी की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता आ रहे हैं और जनता को 370 थी क्या, 35 क्या थी, कारण क्या थे, किसने लगाई, कैसे हटी, इन सब के बारे में एक जन जागरण कैसे। जिस तरीके से परमाणु बम और झगड़े का जो आयोजन देते रहते हैं युद्ध को, देखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे पुरानी कहावत है, हाथ में उनके कुछ है नहीं, तो उस गिदड़ भभकी इस तरह की बातें करते हैं जो शायद एक प्रधानमंत्री को सुभाष जी इमरान खान की तरफ से बातें लगातार आ रही, उन बातों पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उनके बस में कुछ ना कर सकते। आजम खान पर काफ़ी गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं, अभी तक आपकी सरकार उन पर क्यों शिकंजा नहीं कस पा रही? इससे ज़्यादा और शिकंजा क्या कसवाओगे, करीब मुझे लगता है 80 तो मुकदमे होंगे। आजम खान ने जैसे कर्म किए थे और जैसी करनी वैसी भरनी, पुरानी कहावत है, और मुझे फिर के दंगों का जो उन पर जिम्मेदार थे, मैं तो समझता हूँ कि न्याय कहीं ना कहीं होता है, उसमें नहीं तो कहीं दूसरी जगह फंसे, उनके साथ ही होना ही था। अरेस्टिंग नहीं हो रही अभी तक, हो जाएगी, कहाँ जाएगी। मेरा सवाल ये है आपसे कि भारत 370 और 8 हटाने के बाद एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, मुख्यमंत्री के, इधर से अब बारी पीओके के लिए, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए जब सब बड़े नेताओं ने कह दिया हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं कुछ हमारी रही जिसकी वजह से हमारे हाथ से वो चला गया, आज नहीं तो कल, ये तो पता नहीं कि किस तरीके से आएगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि पीओके दिन हमारा होगा।